सर, मेरा नाम फैज़ान अंसारी है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। सर, मैं स्पेशली हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के पास मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो एक्स क्रिकेटर है, बल्कि ये कहूँगा कि जो मैच फिक्सर है, उसकी कंप्लेन करने आया हूँ। रिटर्न में मैंने उनको कंप्लेन दी है, 10 साल पहले जिस इंसान ने अपने देश को बेच दिया था, वो इंसान ये शहर चला रहा है, वो इंसान देश चलाएगा और वो इंसान क्या पॉलिटिक्स में जाएगा। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, अभी मैं दुबई में था आईफा में, जैसे ही मैं इंडिया आया परसों, तो मुझे लोगों ने डीएम करा कि आप अगर सोशल एक पब्लिक फिगर हैं और आपके वीडियोस मिलियंस में जाते हैं, तो आपको इसमें आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए सर, मैं आया हूँ, मैंने कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी है कि अरेस्ट वारंट इशू होना चाहिए और अजहरुद्दीन के खिलाफ देश निकाला घोषित होना चाहिए, इंडिया से हमेशा के लिए उसको बायकॉट करना चाहिए। ऐसे लोगों की जगह इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में, जो अपना देश बेच चुके हैं। और मैं लिख के दे सकता हूँ सर, अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी, एक दिन ये अजहरुद्दीन हैदराबाद को भी भेज देगा। सर, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, जो भी वहाँ पे उस टाइम अवेलेबल पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा है हम बिल्कुल इसकी छानबीन करके इस पर बड़ा से बड़ा एक्शन लेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल है। और मेरे हिसाब से अजहरुद्दीन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू इमीडिएटली होना चाहिए। जो इंसान अपने देश का नहीं हुआ, वो किसी का क्या होगा सर। जो अपनी फैमिली का नहीं हुआ, अपने दोस्तों का नहीं हुआ, और अभी 20 करोड़ का घोटाले का गबन उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है, 20 करोड़ की भी उसने घपला किया है, ये आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज है। और मैं एक बात और दुनिया को बताना चाहता हूँ, पूरे हैदराबाद को, पूरे इंडिया को, वर्ल्ड वाइड सबको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, देशद्रोही वो नहीं है जो देश छोड़ के चले गए, देशद्रोही वो है जो देश में रह के देश का दगा कर रहा है, वो उसका नाम अजहरुद्दीन है। सर, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ और हमेशा गलत हुआ है तो मैंने आवाज़ उठाई है, भले वो राखी सावंत हो, भले उर्फी जावेद हो, भले अल्पेश यादव हो, भले मुनव्वर फारूकी हो, भले पूनम पांडे हो, जब भी गलत हुआ मैंने आवाज़ उठाई है। और ऐसे जितने अजहरुद्दीन गलत खड़े होंगे, उसके खिलाफ फैज़ान अंसारी हमेशा हमेशा आवाज़ उठाएगा। और एक देशद्रोही, इसकी इंडिया में कोई जगह नहीं है। इतने घपले करें, जो इंसान देश का नहीं हुआ, जो इंसान क्रिकेट का नहीं हुआ, करोड़ों फैंस को, और इसको लात मार के क्रिकेट बोर्ड ने निकाला था कि तू मैच फिक्सिंग कर रहा है, करोड़ों की घड़ी इसके घर से निकली थी, ये एक चोर फ्रॉड 420 आदमी है। तो अजहरुद्दीन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और देश में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होना चाहिए। सर, जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।